अब हम यहाँ पर बात करेंगे समरी या नोट मेकिंग की। हमने अभी तक जितनी भी चीजें सीखी हैं वो यहाँ पर समरी में रिवाइज करेंगे और इसी के साथ साथ आप ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, यूरिन इज स्टोर्ड इन ब्लैडर अंटिल न्यूरल सिग्नल इज गिवन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। तो यूरिन ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक न्यूरल सिग्नल ना आ जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंक्टर कॉजेज रिलीज ऑफ यूरिन। तो जो यूरेथ्रा का स्पिंक्टर है जब वो रिलैक्स करता है उसी के साथ साथ हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर हमारी बॉडी में जो यूरिन बन रहा है उसमें ग्लूकोज भी आ रहा है और ग्लूकोज के साथ साथ कीटोन बॉडीज भी बाहर रिलीज हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होती है एक डिजीज का जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एडल्ट ह्यूमन रिलीजेस 1 to 1.5 liter यूरिन पर डे विच इज लाइट येलो कलर्ड स्लाइटली एसिडिक pH 6। तो जो एक एडल्ट ह्यूमन है वो अराउंड 1 to 1.5 liter का यूरिन डेली बना रहा है और ये यूरिन जो है ये है लाइट येलो कलर का और स्लाइटली एसिडिक होता है यानी जो इसकी pH होती है वो होती है 6। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख पाएं।